हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज का वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी के टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट को कंटिन्यू करते हुए आगे का क्वेश्चन ले रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 72। देखो, अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 71 तक सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। इजिएस्ट वे में मैंने सारे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए हैं। होपफुली सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जिन बच्चों ने मेरे वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी ताकि वो प्रीवियस लेक्चर्स को भी अच्छे से देख पाए और अपने टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट को अच्छे से पक्का कर ले। तो अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्या है क्वेश्चन नंबर 72? क्वेश्चन नंबर 72 इज मुदित सुधीर एंड उदय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। Their fixed capital balances are rupees 4 lakh, 1,60,000 and 1,20,000 respectively. देखो, एक फर्म में तीन पार्टनर हैं, मुदित, सुधीर और उदय। तीनों के फिक्स कैपिटल हैं। आप ध्यान रखना फिक्स कैपिटल, क्योंकि जब आप रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को यूज नहीं करेंगे, आप यूज करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट को। तो फिक्स कैपिटल है और उनके कैपिटल का बैलेंस है रुपीज 4 लाख मुदित का, सुधीर का है 1,60,000 और उदय का है 1,20,000 रेस्पेक्टिवली। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस द पार्टनर्स वाज रुपीज 1 लाख विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। देखो, पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट था रुपीज 1 लाख, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन यहाँ पर कुछ एरर और ओमिशन हो गए। ओमिशन क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 2.5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 2.5% पर एनम के हिसाब से पार्टनर्स को देना था, वो पार्टनर्स को क्रेडिट नहीं किया। सैलरी टू मुदित रुपीज 18,000 एंड कमीशन टू उदय रुपीज 12,000। मुदित को 18,000 रुपए सैलरी के देने थे, वो भी ओमिट हो गए, और उदय का कमीशन जो रुपीज 12,000 था वो भी ओमिट हो गया। मुदित वाज अलाउड अ कमीशन ऑफ 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये जो एडजस्टमेंट है, इसे मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। इसका मतलब क्या है कि मुदित को 6% डिविजिबल प्रॉफिट पर कमीशन देना था, वो भी ओमिट हो गया, और जो कमीशन देना था वो था प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये क्या है, ये मैं आपको अभी जब क्वेश्चन करवाऊंगी तब डिटेल में समझाऊंगी कि किस तरह से हम मुदित का 6% कमीशन कैलकुलेट करेंगे। पास अ रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म शो योर वर्किंग क्लियरली। तो देखो, क्वेश्चन तो आपके समझ में आ गया कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, लेकिन पार्टनर्स को ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना पार्टनर्स को सैलरी दी और ना ही कमीशन दिया। तो जो ये ओमिशन हुए हैं, इन्हें हम किस तरह से रेक्टिफाइंग करेंगे? देखो, सबसे पहले तो हम टेबल बनाएंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। तीनों पार्टनर के हम सेपरेट कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम है मुदित का, दूसरा है सुधीर का और तीसरा है उदय का। एक कॉलम हम बनाएंगे टोटल का और एक बनाएंगे पर्टिकुलर्स का। तो टेबल तो होपफुली आपको बनानी आती होगी, क्योंकि अब तक मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट तो आप बहुत इजीली बना लेंगे। अब देखो, हम करते हैं कैलकुलेशंस। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट कितनी थी। देखो, जो मुदित का ओपनिंग बैलेंस है फिक्स कैपिटल का, वो है रुपीज 4 लाख। सुधीर का बैलेंस है रुपीज 1,60,000 और उदय का कैपिटल का बैलेंस है रुपीज 1,20,000। तो इन तीनों अमाउंट पर हम 2.5% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो मुदित के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट आएगी रुपीज 10,000, सुधीर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट आएगी रुपीज 4,000 और उदित के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट आएगी रुपीज 3,000। ये तीनों अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, जो ओमिट हो गई थी, जो पार्टनर्स को देनी थी लेकिन नहीं दी। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया है जो कैपिटल का बैलेंस था उस अमाउंट पर, जो है रुपीज 4 लाख, 1,60,000 और 1,20,000। तो यहां तक समझ में आ गया।
अब देखो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं, तो आप टेबल में क्या लिखेंगे, टेबल में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और यहां आप लिखेंगे क्रेडिट, क्योंकि ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमें क्रेडिट करना है। अमाउंट कितनी है, मुदित की है रुपीज 10,000, सुधीर की है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट रुपीज 4,000 और उदय की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट है रुपीज 3,000। जब हम इन तीनों का टोटल करेंगे तो हमें टोटल अमाउंट मिलेगी रुपीज 17,000 जो है फर्म का लॉस। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो जो नेक्स्ट आइटम है वो क्या है, सैलरी टू मुदित रुपीज 18,000। मुदित को 18,000 रुपीज सैलरी के देने थे लेकिन वो भी ओमिट हो गए, तो हम क्या लिखेंगे, सैलरी टू मुदित। इस अमाउंट को भी हम क्रेडिट कर देंगे और किसके कॉलम में आप दिखाएंगे, आप दिखाएंगे मुदित के कॉलम में अमाउंट इज रुपीज 18,000। सुधीर और उदय के कॉलम में कोई सैलरी की अमाउंट नहीं आएगी क्योंकि ये अमाउंट सिर्फ मुदित की है जो ओमिट हो गई और टोटल हम दिखाएंगे रुपीज 18,000। क्लियर। अब देखो तीसरा आइटम है कमीशन टू उदय रुपीज 12,000। 12,000 रुपीज उदय को कमीशन के रूप में देने थे जो ओमिट हो गए, तो अब इस अमाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, कमीशन टू उदय, इसे भी हम क्रेडिट करेंगे, अमाउंट इज रुपीज 12,000। तो देखो मुदित के कॉलम में डैश, सुधीर के कॉलम में डैश और उदय के कॉलम में हम दिखाएंगे रुपीज 12,000 और टोटल के कॉलम में भी हम दिखाएंगे रुपीज 12,000। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो ओमिट हो गया था, वो था मुदित वाज अलाउड अ कमीशन ऑफ 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। देखो इस एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि मुदित को 6% डिविजिबल प्रॉफिट पर कमीशन अलाउ करना था जो था आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसमें मैं आपको दो चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ, पहला है डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में डिफरेंस होता है। नेट प्रॉफिट प्रॉफिट की वो अमाउंट होती है जिसमें से हम अप्रोप्रिएशन करते हैं पार्टनर्स को, जैसे पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, पार्टनर को सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया, तो ये सारी जो अमाउंट होती है ये दी जाती है नेट प्रॉफिट में से। लेकिन जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है ये प्रॉफिट की वो अमाउंट होती है जो सारे अप्रोप्रिएशन करने के बाद बचती है, उसे हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो देखो यहाँ पर जो मुदित है उसे जो 6% कमीशन मिलेगा वो मिलेगा डिविजिबल प्रॉफिट पर। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट की क्या अमाउंट है। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन, उसमें से जो भी अमाउंट पार्टनर्स को कंट्रीब्यूट की है, डिस्ट्रीब्यूट की है, अप्रोप्रिएट की है, वो सारी अमाउंट आप माइनस कर देंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो होगी डिविजिबल प्रॉफिट। जैसे देखो यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन है वो है रुपीज 1,00,000। अब देखो 1,00,000 में से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट कितनी डिस्ट्रीब्यूट की है पार्टनर्स को, रुपीज 17,000। इसके बाद कमीशन की कितनी अमाउंट है, कमीशन की अमाउंट है रुपीज 18,000। सैलरी की अमाउंट क्या है, सैलरी की अमाउंट है रुपीज 12,000 और इन तीनों का जब आप टोटल करेंगे तो आपको मिलेंगे रुपीज 47,000। जो आप 1,00,000 में से माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगी रुपीज 53,000। ये क्या है, ये है डिविजिबल प्रॉफिट, ये है डिविजिबल प्रॉफिट की अमाउंट। अब देखो डिविजिबल प्रॉफिट की अमाउंट हमने फाइंड आउट कर ली, अब हम मुदित का जो 6% कमीशन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ एक और ट्विस्ट है, जो कमीशन दिया है वो है आफ्टर चार्जिंग। आप ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग कमीशन हो तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन।
ये आप ध्यान रखना कि जब हम डिवाइड करेंगे तो हम 100 में रेट ऑफ कमीशन को ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पर मुदित को कमीशन दिया जाता 6% के हिसाब से बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो फॉर्मूला क्या होता, हम प्रॉफिट के अमाउंट लिखते, जो डिविजिबल प्रॉफिट था उसके अमाउंट लिख देते, उसमें हम रेट ऑफ कमीशन से मल्टीप्लाई कर देते और 100 से डिवाइड कर देते। लेकिन यहाँ हम डिवाइड करेंगे 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन से। तो देखो हम कैलकुलेट करते हैं मुदित का कमीशन, सबसे पहले हम डिविजिबल प्रॉफिट की अमाउंट वो लिखेंगे, इसके बाद रेट ऑफ कमीशन क्या है, रेट ऑफ कमीशन है 6% और इसे हम डिवाइड करेंगे 100 प्लस 6, दैट इज रुपीज 106 से। 106 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो अमाउंट आएगी रुपीज 3000। समझ में आया? इस क्वेश्चन में, इस एडजस्टमेंट में ही थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन थी, अदरवाइज तो सारे एडजस्टमेंट इजी हैं। रुपीज 3000 किस तरह से मिलेंगे, देखो आप डिविजिबल प्रॉफिट की अमाउंट लिखेंगे, फिर रेट ऑफ कमीशन से उसे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 106 से। क्लियर? तो आपको मिलेंगे रुपीज 3000, इसे आप टेबल में क्रेडिट कर देंगे कमीशन टू मुदित, इसे हम क्रेडिट करेंगे मुदित के कॉलम में रुपीज 3000। क्लियर? और यहाँ पर भी हम टोटल में दिखाएंगे रुपीज 3000। समझ में आ गया? तो ये सारी अमाउंट जो ओमिट हो गई थी वो सारी हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दी है। अब देखो हम फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअल अमाउंट पार्टनर को कितनी क्रेडिट होनी थी। अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, यहां हम दिखाएंगे क्रेडिट। देखो अब हम टोटल करेंगे, मुदित की अमाउंट कितनी थी, मुदित की अमाउंट थी रुपीज 31000, सुधीर को मिलने चाहिए थे रुपीज 4000, उदय को मिलने चाहिए थे रुपीज 15000, और जब इन सबको हम टोटल करेंगे तो टोटल लॉस आएगा फर्म का रुपीज 50000। जब हम फर्म के लॉस को पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करते हैं तो उसे हम हमेशा डेबिट करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, डिविजन ऑफ लॉस, और इसे हम करेंगे डेबिट। रेशियो क्या है, रेशियो है 3:1:1। 3:1:1 के रेशियो में 50000 रुपीज को हम पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे। आप रेशियो भी लिख देना 3:1:1, और अमाउंट कितनी है जो डिवाइड करेंगे वो है रुपीज 50000। तो देखो तीनों के हिस्से में कितना लॉस आएगा, मुदित के हिस्से में लॉस आएगा रुपीज 30000, रुपीज 10000 आएगा सुधीर के कॉलम में और 10000 ही उदय के कॉलम में, और यहाँ पर टोटल आएगा रुपीज 50000। अब देखो अब हम फाइंड आउट करेंगे डिफरेंस। जब आप फाइंड आउट करते हैं तो मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले आप ये चेक करो कि पार्टनर का डेबिट बैलेंस ज्यादा है या क्रेडिट बैलेंस। जो भी बैलेंस ज्यादा होता है उसे आप सबसे पहले नीचे लिख दो। तो देखो हम मुदित का बैलेंस चेक करते हैं, मुदित का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है क्योंकि ये है 31000 और डेबिट है 30000। तो सबसे पहले तो हम नीचे लिख देंगे क्रेडिट, इसके बाद हम डिफरेंस की अमाउंट लिखेंगे, डिफरेंस की अमाउंट है रुपीज 1000। क्लियर? अब देखो सुधीर का बैलेंस चेक करते हैं, सुधीर का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है या डेबिट बैलेंस। देखो सुधीर का डेबिट बैलेंस है रुपीज 10000 और क्रेडिट है 4000, तो डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो सबसे पहले आप लिख देना डेबिट, इसके बाद आप डिफरेंस की अमाउंट लिखना, डिफरेंस है रुपीज 6000। फिर उदय का बैलेंस देखते हैं, उदय का बैलेंस ज्यादा है क्रेडिट, और डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 5000 और यहाँ बैलेंस होगा 0। क्लियर? अब देखो जो रेक्टिफाइंग एंट्री है आप बहुत इजीली पास कर सकते हैं क्योंकि आपको यही पता लग गया कि किस पार्टनर को हम डेबिट करेंगे और किसे हम क्रेडिट। अब देखो इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, रेक्टिफाइंग एंट्री जब आप पास करेंगे तो यहाँ पर आप पार्टनर्स के करंट अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करेंगे,
क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स का फिक्स कैपिटल है। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो अगर फिक्स कैपिटल है तो उसी टाइम आप अंडरलाइन कर लिया करो, क्योंकि रेक्टिफाइंग एंट्री में अगर पार्टनर्स का फिक्स कैपिटल है तो हमें करंट अकाउंट को ही डेबिट और क्रेडिट करना है, हम कभी भी कैपिटल अकाउंट नहीं लिखते। तो यहाँ पर एंट्री में हम क्या लिखेंगे, सुधीर्स करंट अकाउंट डेबिट अमाउंट इज ₹6,000 टू मुदित्स करंट अकाउंट अमाउंट इज ₹1,000 टू उदय करंट अकाउंट अमाउंट इज ₹5,000 बीइंग एडजस्टमेंट मेड। नरेशन आपको जरूर लिखनी है, चाहे आप छोटी ही नरेशन लिखो लेकिन नरेशन मैंडेटरी है, नरेशन आपको जरूर लिखनी है। क्लियर? तो होपफुली इस क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो कॉम्प्लिकेटेड आइटम था वो सिर्फ था मुदित के कमीशन का, जो डिविजिबल प्रॉफिट पर दिया है और वो दिया है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो डिविजिबल प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया, डिविजिबल प्रॉफिट वो अमाउंट होती है जो पार्टनर्स को अप्रोप्रिएशन करने के बाद बचती है, और उस अमाउंट को हम पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं। और दूसरा क्या था कि उसे जो कमीशन दिया था वो था आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो जब आफ्टर वर्ड दिया हो तो हमेशा हम डिवाइड करते हैं 100+ रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो यही इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन था, अदरवाइज तो क्वेश्चन इजी था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं ले रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 73। इज पिया एंड बीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2016। देखो दो पार्टनर हैं पिया और बीना, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। बैलेंस शीट दी है जिसमें पार्टनर्स का कैपिटल दिया है और एसेट दी है। तो देखो यहाँ जो कैपिटल है वो है क्लोजिंग कैपिटल। पिया का कैपिटल है ₹80,000 और बीना का कैपिटल है ₹40,000। द प्रॉफिट ₹30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एंड सैलरी टू पिया ₹1,000 पर मंथ। देखो यहाँ पर प्रॉफिट जो ₹30,000 है उसे इन दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, लेकिन ना ही तो इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जो 12% पर एनम के हिसाब से था, और पिया की सैलरी बनती थी ₹12,000, क्योंकि यहाँ पर 1,000 पर मंथ पिया को सैलरी दे रहे थे तो ₹12,000 पिया को सैलरी भी नहीं दी। ड्यूरिंग द ईयर पिया विड्रू ₹8,000 एंड बीना विड्रू ₹4,000। देखो यहाँ दोनों पार्टनर्स ने ड्रॉइंग की है, पिया ने ₹8,000 निकाले थे और बीना ने ₹4,000। शोइंग योर वर्किंग नोट्स क्लियरली पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, दो पार्टनर है पिया और बीना, इनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ना ही इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया और ना ही सैलरी दी, दोनों ही आइटम ओमिट हो गए। तो किस तरह से हम दोनों आइटम्स को रेक्टिफाई करेंगे? और यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस दिया है, तो सबसे पहले तो आपको ओपनिंग कैपिटल बैलेंस फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल बैलेंस पर कैलकुलेट किया जाता है, कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं करते। तो इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ कि किस तरह से हम ओपनिंग कैपिटल बैलेंस की कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले आप दोनों पार्टनर के नाम लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस की जो अमाउंट है वो अमाउंट लिखेंगे। पिया की अमाउंट है ₹80,000 और बीना की अमाउंट है ₹40,000। इसमें आप पार्टनर्स की ड्रॉइंग को एड कर देंगे। पिया ने कितनी ड्रॉइंग की थी? ₹8,000, और बीना की ड्रॉइंग थी ₹4,000।
अब देखो इसके बाद हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ 3:2। जो प्रॉफिट की अमाउंट होती है इसे हम हमेशा माइनस करते हैं जब हम ओपनिंग कैपिटल बैलेंस फाइंड आउट करते हैं, तो क्लोजिंग कैपिटल में से प्रॉफिट हमेशा डिडक्ट करते हैं। अब देखो 30,000 को आप डिवाइड करो 3:2 के रेशियो में, तो पिया का प्रॉफिट कितना आएगा? पिया का प्रॉफिट आएगा ₹18,000। इसे हम ब्रैकेट में दिखाएंगे क्योंकि इस आइटम को हमें माइनस करना है। और बीना का कितना प्रॉफिट आएगा? ₹12,000। इसे भी हम ब्रैकेट कर देंगे क्योंकि इसे हमें माइनस करना है, डिडक्ट करना है। अब देखो आप जब प्लस माइनस कर लेंगे तो ओपनिंग कैपिटल आपको मिलेगा ₹70,000 और बीना का ओपनिंग कैपिटल बैलेंस मिलेगा ₹32,000। अब देखो ये जो दो अमाउंट हमने फाइंड आउट की है ओपनिंग कैपिटल बैलेंस की, इस पर हम 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो देखो जब हम 70,000 पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो पिया के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट आती है ₹8,400 और बीना की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट आती है ₹3,840। ये दोनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट है जो ओमिट हो गई थी और पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो टेबल में कैसे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और यहाँ पर आप लिखेंगे क्रेडिट, क्योंकि इस अमाउंट को हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है। तो पिया के कॉलम में कितनी अमाउंट आएगी? ₹8,400 और बीना के कॉलम में आएगी ₹3,840। अब इन दोनों अमाउंट का आप टोटल करके टोटल के बैलेंस में लिखेंगे तो आपको मिलेगी ₹12,240। समझ में आ गया? देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ओपनिंग कैपिटल बैलेंस फाइंड आउट करेंगे, उस पर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 12% पर एनम के हिसाब से दे रखा था उसे कैलकुलेट करेंगे। जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे और दोनों पार्टनर की अमाउंट का टोटल करके आप लिखेंगे टोटल के कॉलम में। समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखो इसमें एक और आइटम ओमिट हुआ है जो है पिया की सैलरी। पिया को ₹1,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी देनी थी लेकिन वो सैलरी नहीं दी। तो जब ₹1,000 पर मंथ के हिसाब से दे रहे हैं तो 12 मंथ में उसकी सैलरी हो जाएगी ₹12,000। तो यहाँ पर हम ₹12,000 क्रेडिट करेंगे पिया के कैपिटल अकाउंट में। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे सैलरी टू पिया और इसे भी हम कर देंगे क्रेडिट। अमाउंट कितनी आएगी? अमाउंट आएगी ₹12,000, क्योंकि जो पिया को सैलरी देनी थी वो 1000 पर मंथ के हिसाब से थी। तो यहाँ पर टोटल सैलरी आएगी ₹12,000। बीना के कॉलम में डैश करेंगे और यहाँ पर टोटल में लिखेंगे ₹12,000। समझ में आ गया? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? अब देखो अब हम क्या करते हैं कि अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, कितनी टोटल अमाउंट पिया को मिलनी थी और कितनी बीना को, तो हम यहाँ पर बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस के लिए हम दोनों अमाउंट का यहाँ टोटल करेंगे। पिया को अमाउंट टू बी क्रेडिटेड थी ₹20,400, यहाँ बीना को मिलने थे ₹3,840 और इन दोनों का जब हम टोटल करेंगे तो टोटल के कॉलम में आएगा ₹24,240। ये अमाउंट भी होगी क्रेडिट, ये एक्चुअल अमाउंट है, इसे लिखेंगे अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। ये एक्चुअल अमाउंट है जो पिया और बीना को मिलनी चाहिए थी। पिया को मिलने चाहिए थे ₹20,400, बीना को मिलने चाहिए थे ₹3,840 और जब ये दोनों अमाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे तो फर्म का लॉस होगा ₹24,240। अब देखो मैंने आपको बता रखा है कि जो फर्म का लॉस होगा उसे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
तो यहाँ पर 24,240 को हम डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के बीच में, तो हम लिखेंगे डिविजन ऑफ लॉस, और यहाँ पर हम लिखेंगे डेबिट, क्योंकि लॉस को हम हमेशा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं। रेशियो इज 3:2। 3:2 के रेशियो में 24,240 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखो पिया का लॉस कितना होगा, पिया का लॉस होगा रुपीज 14,544। ये आप कैलकुलेट कर लो, मैंने कैलकुलेशन कर रखी इसलिए मैं लिख रही हूँ। पिया का लॉस आएगा रुपीज 14,544 और बीना का लॉस होगा रुपीज 9,696। ये दोनों के लॉस होंगे और टोटल में आएगा सेम टोटल रुपीज 24,240। क्लियर। अब हम निकालेंगे डिफरेंस। डिफरेंस के लिए तो मैंने आपको बता ही रखा है कि जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि पार्टनर्स का कौन सा बैलेंस ज्यादा है, डेबिट या क्रेडिट। जो बैलेंस ज्यादा होगा उसे आप नीचे लिख देंगे। तो देखो पिया के बैलेंस को चेक करते हैं। पिया का क्रेडिट बैलेंस है रुपीज 20,400 और डेबिट है रुपीज 14,544। तो कौन सा बैलेंस ज्यादा है, नेचुरली क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, तो यहाँ हम लिख देंगे क्रेडिट। और फिर हम डिफरेंस के अमाउंट लिखेंगे, डिफरेंस आएगा रुपीज 5,856। और यहाँ पर जब बीना का हम कैपिटल अकाउंट चेक करते हैं तो बीना का डेबिट बैलेंस ज्यादा है, और फिर हम डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस इज रुपीज 5,856 और यहाँ बैलेंस आएगा नील। समझ में आ गया। अब देखो एंट्री आप इजीली पास कर लेंगे क्योंकि आपको पता लग गया कि किसे डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, रेक्टिफाइंग एंट्री होगी बीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंट इज रुपीज 5,856 टू पियास कैपिटल अकाउंट, अमाउंट विल बी सेम रुपीज 5,856 बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी ओमिटेड नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड। ये होगी इसकी नरिश। समझ में आ गया। तो होपफुली आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। किस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 73 सोल्व करेंगे, सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल बैलेंस। ओपनिंग कैपिटल बैलेंस निकालने के बाद आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह से पिया की सैलरी जो रुपीज 1,000 पर मंथ थी उसे 12 से मल्टीप्लाई करके रुपीज 12,000 उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, और फिर आप पार्टनर्स के कैपिटल का डिफरेंस निकाल के उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करके रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर दे। क्लियर। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 73 का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आपको इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूं ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। अब तक मैंने क्वेश्चन नंबर 73 तक सारे क्वेश्चन आपको इजीएस्ट वे में एक्सप्लेन किए हैं। आप सारे क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करके देखना, होपफुली आपको कोई क्वेरी नहीं आएगी, लेकिन इनकेस अगर कोई क्वेरी आती है तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। इन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना मेरे टेलीग्राम ग्रुप को, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। क्लियर। तो होपफुली आज आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो लेक्चर में मैं लूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 74। थैंक यू सो मच।